अगर लड़कियां सिगरेट पिए या शराब पिए तो तबीयत तो बिगड़ेगी ना. स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस. अगर एटीट्यूड दिखाते हुए कोई लड़की सिगरेट और दारू पिए तो कबाड़ा पक्का है. छोड़ यार अपने को. क्या क्यों सिगरेट पी तो नहीं? नहीं यार नहीं पी. लिपस्टिक का निशान तो नहीं है मतलब नहीं पी? बोला था पास में सुंदर लड़की बैठी और तुम खुलेआम पी रहे हो. अगर कोई आदमी होता तो वो भी मेरे साथ पीता. मेरे पैसे खर्च होते. तुम बैठी हो तो मेरे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और कंपनी भी मिल रही है. टोटल पैसा वसूल. सब अपनी अपनी पोजीशन पर रेडी रहना. बेवड़ी समीरा. सर क्या सर? नहीं नहीं तुम्हें नहीं. ओके सर. लगता है शुगर लेवल फिर से कम हो गया. टैबलेट्स खाने के बाद कुछ खा लेना चाहिए. ये लड़की तो अकेले में कोई दवा खा रही है. दवा नहीं है ड्रग्स. ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? चाल बदल जाती है. ओहो ये चाल है वाकई कमाल. असर हुआ है? मुंह फाड़ के हंसेगी. ये तो हंस पड़ी. अब आगे अजीब हरकतें करेगी. हाँ मुंह तो बनाया. ड्रग्स लेने से लोग इतने गिर जाते हैं? इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना. मतलब सिगरेट और शराब के? सीढ़ी से गिरने की बात. अगर ये किसी को बताना होगा तो क्या कहेंगे? यही ना कि लड़की नीचे गिर गई, राइट? हाँ. फिर लोग पूछेंगे किसके लिए. या अगर कहेंगे कि बेचारी का पैर फिसल गया तो कहेंगे किसके साथ. सुनने में बहुत वल्गर लगेगा ना? एकदम वल्गर लगेगा. इसीलिए प्लीज मत कहना. नहीं कहूंगा. समीरा हाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना सीढ़ियों से गिर गई. टेक केयर बेटा. या एक झूमर लगाएंगे. तुमने ही बताया ना. सच बताओ तुम उससे क्या गुटर कर रहे थे? अरे ऐसे ही. हम यहाँ शादी करवाने आए हैं, अपनी सेटिंग करने नहीं. बात तो सुनिए, वो सीढ़ियों से गिर गई. पता है बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर गई. हाँ. इसको बताया तो उन्हें कैसे पता चला? फ्लैशबैक खत्म नहीं हुआ तो जरा जल्दी बोलो ना. तुम दोनों यहाँ काम छोड़ के टाइम पास कर रहे हो क्या? अरे वो बेटे की तो समीरा है ना. उसका क्या? वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई. बेटी हाँ जी. तू सीढ़ियों से गिर गई थी ना, हमें तुझे बाम लगा देती हूँ. वहाँ मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है और आप यहाँ खड़े गप्पे लड़ा रहे हो. अरे वो हाँ? हमारी पल्लव की दोस्त समीरा है ना, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई. बाप रे. और किसी को पता है ये लड़का कौन है? कौन वहाँ जो है? कम 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 जल्दी. क्या किया उसने? इरिटेट कर दिया यार. थैंक गॉड मैं बच गई. इसीलिए मैंने योगेश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और उस लड़के से सगाई तोड़ दी. तेरी उससे सगाई टूट चुकी है? कोई गलती की? एक्चुअली तूने तो बहुत अच्छा किया यार. समीरा जी मैंने ऐसा क्या किया जो आप इरिटेट हो गई हैं? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तो तुम्हें कैसे पता चला हमारी क्या बात हुई? अपने फोन की जगह आप मेरा वॉकी टॉकी ले गई थी. समीरा जी नाइस ड्रेस. थैंक यू सर. इतना चहकने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दो. सॉरी सर. सिर्फ 10 करोड़ की तो जमीन है, आपकी दूसरी प्रॉपर्टी के आगे तो कुछ भी नहीं है. 10 में खरीदी थी. अब 20 करोड़ की है. उसके पास आउटर रिंग रोड आ रहा है, 8,000 स्क्वायर यार्ड, पूरे 30 करोड़ की हो जाएगी. आपकी बात सही है लेकिन उसमें कुछ लोचा है इसलिए मुझे लगता है किसी ने मेरी प्रॉपर्टी में बोर्ड लगा दिया है और उससे बात करते हुए तुम्हें डर लग रहा है. ऊपर से खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते हो. तुम्हारी 1 घंटे की फीस. अब तो बात करोगे ना? बात करो. हेलो.
बोल वकील, सब ठीक चल रहा है ना? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मेरी छोड़, ये बता फोन क्यों किया? एक 8000 स्क्वायर यार्ड की साइट है। कौन सी? वही मोहन कुमार मिश्रा वाली। कौन सी? जी वो पुराने मोड़ पर 2 एकड़ की जमीन है ना। कौन सी? अब आपकी 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 वाली, अब अभी अभी मैंने देखी, बहुत बढ़िया साइट है। चल गाड़ी निकाल। भाई मैं तो उससे बात नहीं कर सकता। गाड़ी रोको, उतर। हाँ उतर, यहाँ पर आगे छोड़ दो, यहाँ से बस भी नहीं मिलेगी। वजन कम होगा तो डीजल कम जलेगा, तू किसी काम का नहीं, उतर। अरे मेरा चेक तो दो। ये ले, जोड़ लेना। कल फूल लेने के लिए हमने 10 गांव नाप लिए, लेकिन जब फॉरेन विस्की चाहिए थी तो एक ही गांव में 10 मिनट में मिल गई। वाकई इंडिया बहुत डेवलप हो गया यार। रुको रुको रुको, कर लेता हूँ। बहुत चढ़ा रखी है क्या? आज कम चढ़ाई है, जब तक गले के अंदर शराब नहीं उतरती बैटरी डाउन रहती है। अरे सर, हिला दिया। 2 ml घटकने के बाद कैसा लग रहा हूँ? वाओ, व्हाट अ मेडिकल मिरेकल, कुदरत का अजूबा है आप सर। ऐसे ही मैं कई मिरेकल्स दिखाऊंगा, मुझे साथ ले चलो। मिरेकल्स देखने के लिए कहाँ ले जाना होगा? पल्लवी नाम की लड़की की शादी में जाना है। पल्लवी की शादी तो हम ही करवा रहे हैं। बैड लक खराब है, चलो बैठो। वैसे पल्लवी से आपका क्या रिश्ता है? छोटे भाई की बेटी। यस माय ओन ब्रदर्स डॉटर। तो आपको लेने क्यों नहीं है? इस तरह रास्ते पे क्यों छोड़ दिया? मेरे और मेरे भाई के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है भाई। ओ हो। क्या हुआ सर? मेरे बाप ने 150 एकड़ जमीन हमारे नाम की, हम साथ में बिजनेस करते थे, बिजनेस में नुकसान हुआ, हमने प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज उतारने का सोचा। 75 एकड़ जमीन को बेचने के लिए हमने रजिस्ट्रार को बुलाया, जब मैंने अपने भाई को साइन करने के लिए कहा तो उसने कहा आपकी 75 एकड़ जमीन के लिए साइन की क्या जरूरत है? अगर सर सुनते ही तुम्हारे 12 बज गए तो सोचो मेरे 13-14 बज गए होंगे ना। आपके बच्चे नहीं है? एक बेटा है ना। हाँ, तो आप उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए भैया? अजय कैसे हो भाई? पिछले 2 दिनों से हम दोनों आप ही की बात कर रहे थे। अजय मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, मेरा दिल तो यही है, बता पल्लवी कहाँ है ना? अंदर। अरे शर्मा जी आइए ना, आइए सर। मेरा बेटा मेरी तरह ड्रामा नहीं करता, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं लेकर आया। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब तो मिल गया। बेटा मैंने सुना तू कल सीढ़ियों से गिर गई थी, देख कर चला करो, आके एक जगह टिकाओ बेटी। हे, ये ऊपर धागा किसने बांधा है? तुम लोग काम ठीक से करो यार। वाह, ये यहाँ भले ही तुमने मेरी बात नहीं मानी पर ऊपर तो पहुंच ही चल खाएगा। ओ मोहन बाबू, रिश्ता लाने वाले खुद इतनी देर से आते हैं क्या? अब आ गया। हेलो सर, हाउ आर यू? अच्छा हूँ, मीट माय कजन। हेलो, हाय अंकल, थैंक्स फॉर कमिंग। दूल्हा हो तो तेरे जैसा, वरना कुछ लोग होते हैं जिन्हें 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट दो तो भी फेंक देते हैं कलर पसंद नहीं आया बोलकर। समझ में नहीं आया ना? एग्जाम्पल दूं क्या? हेलो, जरा एवरेस्ट से उतरकर नीचे आएंगे, अपना सुंदर चेहरा सबको दिखाएंगे। देख लो बेटे, ये है लाइव एग्जाम्पल। इसके बाप की मौत के बाद मैंने कहा खुद को कंगाल बता दे, पर इसने कहा ये मुमकिन नहीं। वो कौन सा वर्ड? वैल्यूज, वैल्यूज। हाँ, उन वैल्यूज की पूंछ पकड़कर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का दान कर आया ये। ओह गॉड, क्या इतने पैसे कमा लो तो गॉड बोलना चाहिए, लेकिन अगर कमा दो तो ओह माय गॉड ऐसे बोलना चाहिए। अकलमंदी किसमें है, पैसा जोड़ने में या गवाने में? लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, जीतना या हारना? एक्चुअली अगर ये मेरी बात मान लेता तो आज तेरी शादी। मोहन तो... चलो ना उनसे मिलते हैं। क्या हुआ? देखो उन्हें पल्लवी और बनी के बारे में कुछ भी मत बताना, उन्हें पता चल गया तो वो शादी तोड़ देंगे। शादी के बाद नहीं चलेगा, तब छोड़ कर गया तो? अरे छोड़ गया तो भी उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाएगी। रिश्ता जुड़ा नहीं अब तक और तुम लोग तोड़ने की बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। हमें तो प्रॉपर्टी से मतलब है, चाहे आज मिले या डिवोर्स के बाद, है ना? पल्लवी की शादी में ऐसे काम करके
तुम्हें बुरा नहीं लग रहा क्या? मैं अपने पापा को बहुत चाहता हूँ, इस कदर चाहता हूँ कि लंदन में जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था तब उन्हें इतने फोन किए जितना कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ना करे। उनके जाने के बाद मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। सब लोग उनके जाने के बाद सब लोग रोए पर मैं नहीं रोया। मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं बहा। अगर आंसू बयां करते हैं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं तो मैं जिंदगी भर भी रोऊं ना तो भी उनके लिए अपना प्यार नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे मुझे लगता है जैसे मैं एक पत्थर दिल कोल्ड हार्टेड इंसान हूं। मुझ में कोई इमोशंस नहीं है। मैं अपने पिता को इतना चाहता था कि मुझे लगता ही नहीं कि वो मुझे छोड़कर कहीं चले गए। वो आज बाकियों के साथ नहीं है इसीलिए सब रोते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो हमेशा है इसलिए रोने की जरूरत नहीं। थैंक यू। लड़के रोते हुए बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। टाइम हो गया है, तुम पार्टी में नहीं जा रही? तुम नहीं आओगे? पीने वाला ना जाए तो चलता है, वेटर को तो जाना ही पड़ता है। मैं जरूर आऊंगा। सी यू देयर। सर, इस उम्र में भी आपके बाल इतने काले कैसे हैं? डाई करूंगा तो काले तो हो ही जाएंगे ना। ओहो आनंद, वन सेकंड ब्रो, इससे मिलके जाओ। ये विराज वैल्यूज का ये लास्ट सैंपल है। आजकल ऐसे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं ब्रो। यार तुम भी, क्या ख्याल है, एक बढ़िया सी स्पीच हो जाए। अरे योगेश, अरे शर्मा क्यों रहा है, चलना कम ऑन, जाओ जाओ। दिल की बात बोल दो। मेरा एक दोस्त जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उसने आज मुझसे एक सवाल किया। महानता किसमें है, लेने या देने में? क्या जरूरी होता है, हारना या जीतना? रावण ने सीता का अपहरण किया, राम के हाथों मारा गया। सीता से दूर रहना तो नहीं मरता। कौरव जुए में जीत गए थे, कुरुक्षेत्र में हार गए। जुए में हारते तो सारे भाई पार्टी करके आराम से जिंदगी जी रहे होते। सो कभी कभी हासिल करने से छोड़ना बेहतर होता है, जीतने से बेहतर हारना होता है। क्या बात बोलिए सर, तीर एकदम निशाने पर बैठा है। सर, इस उम्र में भी ये कितना समझदार है। देवताओं की कहानी सुनाना एक बात है, लेकिन जिंदगी जीना दूसरी। है मोहन, कैसी चल रही पार्टी? आज के बाद ऐसी बकवास पार्टी में मत बुलाना। ये विस्की है या पानी, हट जाओ। अरे मोहन, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? मोहन रुक, चल चल एक पैक मान लो। समीरा, अरे नहीं, ओए समीरा, एक और सुब्बलक्ष्मी। सुब्बलक्ष्मी, वही तो उसका असली नाम है। What a sexy name, Subbalakshmi. Dance with me. सर चकरा रहा है यार, कॉफी मंगा। अरे सुनना, अरे छोटा का क्या बोला रहा है? यहाँ सर, ये डेकोरेशन किसने करा है? मैंने सर। अक्ल से पैदल एक भी ग्रीन फ्लावर क्यों नहीं लगाया इसमें? सर ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, फ्लावर नहीं होते। जुबान मत लड़ाओ मुझसे, डेकोरेशन का कोई सेंस ही नहीं है, दो पैसे की अकल नहीं है इनमें। पता नहीं साले साहब ने क्या सोच के इन्हें काम दे दिया है। मुझे सिखाने चला है बेवकूफ। मैं बाहर खड़ा हूँ, बैग्स लेकर आऊँ। हर उल्लू खुद को स्मार्ट समझता है। 36 देशों में घूम चुका हूँ मैं। बड़े बड़े वेडिंग प्लानर्स मुझसे एडवाइस मांगते हैं और ये गधा मुझे सिखा रहा है। गुस्सा होने दे, तू क्यों लाल पीला हो रहा है? गुस्सा हो रहा हूं मैं, गुस्सा हो रहा हूं। कौन कहता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, इतने प्यार से मैंने किसी को बात करते नहीं देखा। मैं क्या बात है, जो कहना चाहता है बोलता क्यों नहीं? सर हमें पैसों की नहीं चाहिए पैसे, मैं भीख मांग लूंगा, सड़कों पर गिटार बजाऊंगा और तुझे भी नौकरी दूंगा, तू चिल्लर उठा लेना, समझा? आप बेबी की फीस नहीं पड़ेगी, पढ़ाई छोड़ देगी, घरों में बर्तन मांजेगी। ये ये भी घूम रहा है ना, मेरे भैया भी ऐसे ही घूम लेंगे। तू सोच ले, अपना मुंह बंद करो और बैग लेकर आ।
हेलो बनी। हाँ बोलिए। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कैसे हो तुम? ठीक तो हो? हाँ सुन मैं बैग्स लेकर। परी ठीक है ना? ठीक है स्कूल गई है। मम्मी जी और मैं तुम्हारी बात कर रहे थे। अपना ख्याल रखना। मैं दो दिन बाद आऊंगा। उसके बाद परी की फीस भर देंगे। मैंने इसके लिए फोन नहीं किया था। पर मैं तो यहाँ इसीलिए आया था ना भाभी। अब मैं फोन रखता हूँ। माँ को मेरा प्यार दीजिएगा। सर अभी आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा ग्रीन फ्लावर्स इज अ गुड आइडिया। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया सर। यस अगर आप बताएं कि आपको कहाँ कहाँ फ्लावर्स चाहिए तो हम वहाँ वहाँ वो फ्लावर्स लगा देंगे। ऐसा करो फ्लावर्स का एक गुच्छा ले आओ और yes. बाकी मैं लंच के बाद बताता हूँ। डेफिनेटली सर विल बी वेटिंग फॉर यू। बात करते करते लंच के लिए चला गया। लगता है एक जन्म का भूखा ही है। जाने दे जहाँ जाना है। ये शादी किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए परम।